रैन ब्यूटी अवार्ड शो में हुआ नारी शक्ति का सम्मान, बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हुई शामिल। महिलाओं की प्रतिभा को मंच देने से मिलती है खुशी, मोनिका शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को भव्य कार्यक्रम द ग्रैंड ब्यूटी अवार्ड शो आयोजित किया गया। इसमें बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता भोपाल के मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। ग्रैंड शो की आयोजक मोनिका शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की मेकअप प्रतियोगिता भी संपन्न की गई। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से पधारे मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी कला का जौहर दिखाया। मोनिका ने कहा कि मुझे महिलाओं की प्रतिभा को मंच देने में खुशी मिलती है, नारी शक्ति का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। ग्रैंड शो के लिए प्रसिद्ध मोनिका शर्मा ने इसके पहले भी भोपाल, रायपुर के साथ अन्य शहरों में द ग्रैंड ब्यूटी अवार्ड शो किया था। इसमें महिमा चौधरी, विनी सैन और अनुराग मंत्रा शामिल थे। उर्मिला मांतोडकर और प्रीति भांग्यानी ने सभी मेकअप आर्टिस्ट का स्टेज पर स्वागत किया, सम्मान किया। शो में ब्राइडल कॉम्पिटिशन भी रखा गया। साथ ही गुजरात की मेकअप आर्टिस्ट कविता पटेल ने प्रतिभागियों को मेकअप की गुड सिखाई। जोश बना के रखेंगे, एक बार जोरदार तालियां रवि सर के लिए। एग्जैक्टली लाइक माय पीपल एंड रवि साहू सर ऑल द वे फ्रॉम विदिशा हेडिंग टुवर्ड्स बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, और मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट इनविटेशन टू अटेंड द ग्रैंड ब्यूटी अवार्ड शो। थैंक यू वेरी मच। मत 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 जी जी बिल्कुल। मेरा नाम मोनिका शर्मा है, मैं सेलिब्रिटी इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ और इस तरह के बड़े बड़े मेगा सेमिनार हम लोग करते रहते हैं। आज जो प्रोग्राम है उसमें मेगा सेमिनार जो कि कविता मैम दे रहे हैं और इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने प्लस सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट ने, इनके द्वारा दो लुक दिखाए गए यहाँ पर, एक ब्राइडल और एक वेस्टर्न। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे क्या बोलते हैं पार्टिसिपेंट जो लोगों ने किया 30+ लोगों ने किया, और अभी टॉप जो 3 रहेंगे उन्हें मैम और तनुश्री दत्ता अवार्ड यहाँ देंगे। प्लस जो नारी शक्ति अवार्ड्स हम लोग करते हैं उसमें उन महिलाओं को सम्मान किया जाता है जिन्होंने इस ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है या कोविड में इस टाइप से एनजीओ में जो अच्छा काम महिलाएँ कर रही है तो उनको हम लोग यहाँ सम्मान करते हैं हमारे स्टेज पर। मैम ऐसी भी बात सामने आ रही है।